हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है तुम तुम 2004 की फिल्म है तो इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या आप, वो आप ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करूँगा साथ ही मैं इस फिल्म से जुड़े हुए अलग अलग इस के उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा और सद्योल सेन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी वो ने की की हुई है इस फिल्म एडिटिंग रामेश्वर ने की हुई है एक सौ उनतीस का टाइम दिया हुआ। कि फिल्म दो 9 देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो आ, इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिर ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहिल मेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया है दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो यह फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग के चोरी करती हुई नजर आ आती है। जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है, तो है, उनके उनके है अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे में में ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो अब्रह को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्सन काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आता है नेरेशन काफी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजिज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीजें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने लेटर ऑन बाद में दो को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग दो हज़ार के बीच में करवाई गई थी जहाँ पर उस समय के हिसाब से करीब हाई बजट यानी कि ग्यारह करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राह सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोसा ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सीडी के थ्रू सोलह जुलाई दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री वायर वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए हैं जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिछ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और ओर से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पे फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो एमेजॉन प्राइम के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये दो हजार चार की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसा दिवल रिमिसेन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल महुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जो नबरा व गेंग को लीड कर रहे है उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए है वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो गैंग चोरी करती हुई नजर आती है जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी जय जगदीश से तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे वो उसके बाद में फिल्म में फिल्म ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर कभी पकड़ पाएगा क्या कभी सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलअप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आता है नरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फ़िल्म जल्दी रिलीज़ होने वाले लेटर ऑन बाद में दो को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग दो हज़ार के बीच में करवाई गई थी जहाँ पर उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि ग्यारह करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ है वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो तो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज़ किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज वाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल भरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस सत, मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताइस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायर के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को हाँ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और सीधे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा इस सदी रिमिसेन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी पी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गैंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गैंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गैंग की ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमिस

संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन अब्राम वो गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए हैं वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है, एक ऐसे पूरी बाइकर गेंगे तो वो बाइक के ऊपर के चोरी करती हुई नजर आती है जहाँ पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है इसी पीछे जगह दीक्षित उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ था, उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्नस डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो नबरहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ आएगा क्या कभी इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई तो काफी ट्विस्ट और टर्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा दिअल रिमिसेन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी का काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजिस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीजें फेस करके किस तरह से चीजें करे हैंडल uh, करते किस तरह से जो uh, कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फ़िल्म जल्दी रिलीज़ होने लेटर ऑन बाद में दो को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग दो हज़ार के बीच में करवाई गई थी जहाँ पर उस समय के हिसाब से करीब हाई बजट यानी कि ग्यारह करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे, पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामे गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल बरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए हैं जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स एमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादी रिमी सेन देखने को मिलते है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गैंग का लीडर था जो मेन इंटागोनिस गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी देखने को मिलते हैं दीक्षित का रोल प्ले किया ने राहुल सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिर ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहल मोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ है ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है। यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गेंग दिखाई गई है जॉन अब्राम वो गेंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है, एक ऐसे पूरी बाइकर है तो वो बाइक के ऊपर वो एक गेंग चोरी करती हुई नजर आती है जहाँ पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है ए सी पीछे जगह दीक्षित उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफ़ी ट्विस्ट और और काफ़ी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पर सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा दूअल रिमिसन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को तरीके से पुल ऑप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी का काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेज़ वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजिस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने लेटर ऑन बाद में 2004 को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहाँ पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गं गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और ओर से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पे फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेजॉन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म थी जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसा दिवल मिसेन देखने को मिलते है जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गैंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग की ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमिस देखने को मिलते हुए कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिर ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ है ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो यह फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जो अब्राम वो गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है, एक ऐसे पूरी बाइकर है तो वो बाइक के ऊपर गेंग के चोरी करती हुई नजर आती है जहाँ पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी पीछे जगह दीक्षित उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्नस डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कभी उसको पकड़ पाएगा क्या कभी सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफ़ी ट्विस्ट और टर्स और काफ़ी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पर सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा दिअल रिमी सेन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलोप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी का काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार कारचेजेज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजिस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें चीज़े शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने वाले क्टर बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ है वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिकदुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज वाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल भरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियल वीडियो वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायर के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्समे में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो एमेजॉन प्राइम के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्णा आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा इस सदी देखने को मिलते हैं जहाँ पे फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आती जो जय की वाइफ का रोल मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है। जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल मोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन अब्राम वो गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है, एक ऐसे पूरी बाइकर गेंगे तो वो बाइक के ऊपर कोई एक गेंगे चोरी करती हुई नजर आती है जहाँ पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है इसी पीछे जगह दीक्षित उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और रनस डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई तो काफ़ी ट्विस्ट और टर्नस और काफ़ी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पर सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा दिअल रिमी सेन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलोप करते हुए नज़र आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी का काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजिस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें चीज़े शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जब जल्दी रिलीज़ होने लेटर ऑन बाद में 2004 को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहाँ पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था वो अलग ही था म्यूज़िक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामे गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल बरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस सत, मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताइस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स एमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादी देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज़ किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी पी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन इंटागोनिस गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आती जो जय की वाइफ का रोल मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आर चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहिल ममेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गेंग दिखाई गई है जॉन अब्राम वो गेंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है, एक ऐसे पूरी बाइकर है तो वो बाइक के ऊपर कोई एक गेंगे चोरी करती हुई नजर आती है जहाँ पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है ए सी पीछे जगह दीक्षित उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टनस डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कभी रिश्त सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा दिअल रिमिसेन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी का काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेज़ वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजिस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट चीज़े की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जब जल्दी रिलीज़ होने वाले लेटर ऑन बाद में 2004 को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहाँ पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ सीरीज़ें वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में आ, उसी आ, रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर एफ स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गं और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से रेमने में नॉमिनेसन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी, भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये दो एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादी वालों रिमिशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी सी पी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गैंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विट्टी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है चौधरी ने राहुल का का रोल प्ले किया है है जो कबीर सेकंड इन कमांड वहीं पे अमीर ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहिल मोहल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ है ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो यह फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जो नबराम व गेंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो गैंग के चोरी करती हुई नजर आती है। जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी पीछे दीक्षित तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई तो काफी ट्विस्ट और टर्न और काफ़ी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसाद्यूअल रिमिसेन जैसे एक्टर सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलअप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नजर आता है नरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट चीज़े की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फ़िल्म जल्दी रिलीज़ होने जल लेट बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेफ स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो तो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोसा ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल भरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस सत, मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो चार को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियल वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायर एप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्समे में नॉमिनेसन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुलिसूम टू दो प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पर फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्स एमेजोन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो एमेजन प्राइम के ऊपर विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा इस सदियों देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहिल मल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे है उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए है वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग चोरी करती हुई नजर आती है जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी जय इसी पीछे उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पर सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ खान था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट चीज़े की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने वाले क्टर बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ सीरीज़े वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में आ उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजा और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल भरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो एमेजॉन प्राइम के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ब्लास्ट ये दो 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसदी वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज़ किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी पी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन इंटागोनिस गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आती जो जय की वाइफ का रोल मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रज़ा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जो नबराम व गेंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए हैं वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंग्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है एक ऐसे पूरी बाइकर गेंगे तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग के चोरी करती हुई नजर आती है जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी पीछे उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो नबर को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलॉप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्स था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफी अच्छा नजर आता है नरेशन काफी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें चीज़े शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जब जल्दी रिलीज़ होने वाले लेटर ऑन बाद में 2004 को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहाँ पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था वो अलग ही था म्यूज़िक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ है वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में आ, उसी आ, रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर एफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिग्दुम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और कवासुंद्रा दास ने गाया हुआ था सिग्दुम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गं और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिल बरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताइस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा का कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादी वो देखने को मिलते पे इस फिल्म की है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे पे के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गैंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गैंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गैंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है चौधरी ने राहुल का का रोल प्ले किया है जो कबीर सेकंड इन कमांड है। वहीं पे आमिर ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो यह फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जो नबराम व गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो गैंग के चोरी करती हुई नजर आ आती है। जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी पीछे दीक्षित तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो अब्रह को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्स था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफी अच्छा नजर आता है नरेशन काफी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाले ऑन बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 हजार के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ सीरीज़े वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोसा ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सीडी के थ्रू सोलह जुलाई दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री वायर वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए हैं जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिछ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और ओर से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पे फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो एमेजॉन प्राइम के ऊपर देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ई सदी रिमिसैन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पर इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल ममेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए है वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ है एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर पूरी गैंग चोरी करती हुई नजर आ जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी जय जगदीश से तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट के तरफ से हैंडते है। अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे वो उसके बाद में फिल्म में फिल्म कुछ ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल पुलअप करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्स था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजे वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था। न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ है वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो तो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज वो जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस सत, मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताइस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वायर एप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को हाँ बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा का कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और, और सीधे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी जिसके चलते प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पर आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो Prime वीडियो के ऊपर देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पे आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन 11 करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा इस ईसा देरि मिसेन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी

इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी पी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्वीटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है। जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जोन अब्राम व गैंग को लीड कर रहे है उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंग्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गेंगे तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग के चोरी करती हुई नजर आती है जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी पीछे तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्नस डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्रह को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वी एफ था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफी अच्छा नजर आता है नरेशन काफी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें चीज़े शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाले बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कॉमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कॉमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था वो अलग ही था म्यूज़िक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोसा ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुनाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सीडी के थ्रू सोलह जुलाई दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के गाँव को ऑफिशियल फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वायरप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए हैं जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स एमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और, और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थी जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादी रिमिसेन देखने को मिलते पे इस फिल्म की है वो नीरव शाह ने की हुई है इस फिल्म की एडिटिंग रामेश्वर एस भगत ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे नौ मिनट लंबी देखने को मिलेगी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था वहीं पे इस फिल्म के गाने वो प्रीतम के द्वारा कंपोज किए गए थे वहीं पे जो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में ए सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन इंटागोनिस गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पर इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का, का रोल, ने रहु। ने का रोल का है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में टोनी का रोल प्ले किया है मोहिल मेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलास दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है। यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे हैं उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर पूरी गैंग के चोरी करती हुई नजर आती है। जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी जगदीश से तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते हैं अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न्स डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कभी सभी चीज़ों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्नस और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं पे जॉन काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्स था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफी अच्छा नजर आता है नरेशन काफी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट चीज़े की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फ़िल्म जल्दी रिलीज़ होने वाली और बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राह सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज सीरीज़ें वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेवन ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोसा ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सीडी के थ्रू सोलह जुलाई दो हज़ार चार को रिलीज किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वायर के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड से रेमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पर इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और ओर से इससे करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है जहां पे फिल्म आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो धूम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेजॉन प्राइम के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि धूम फिल्म एक अच्छी फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ सबटाइटल सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक दो हज़ार चार की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा ईसादीवल रिमिशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी

इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी सी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा दियोल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिरी ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल महुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ है यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे है उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए है वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंक्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गैंग है तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग चोरी करती हुई नजर आती है जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी इसी दीक्षित तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जो अब्रह को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कभी सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहां पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्सप्री काम था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डिरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नेरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेस वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गेंग दिखाना चाहते जो ये सभी चीज़ें फेस करके किस तरह से चीज़ें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पे इनिशियली ये फिल्म जल्दी रिलीज़ होने वाले क्टर बाद में 2004 को रिलीज की गई थी फिल्म की शूटिंग 2002 3 के बीच में करवाई गई थी जहां पे उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि 11 करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जौन इब्राम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे, पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरप म्यूजिक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ है वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003 हज़ार तीन चार में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायर स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिकदुम गाने को शान और श्रेया साल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सोमिया राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गंज गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्रेम वायर एप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्समे में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ पे इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था। तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थी जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से धूम फिल्म आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे धूम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है ब्लास्ट ये एक 2004 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो धूम फ्रेंचाइज है उसका ये पहला पार्ट है जहाँ पे संजय गढ़वी के द्वारा फिल्म को डिरेक्ट किया गया था कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने लिखी हुई थी स्टोरी आइडिया आदित्य चोपड़ा का था स्क्रीन प्ले विजय कृष्ण आचार्य ने ही तैयार किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए वहीं पर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को करीबन ग्यारह करोड़ के बजट में यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है उनकी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन जौहन अब्राहम उदय चोपड़ा इस और मिसेन देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी

इस फिल्म की जो कास्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो अभिषेक बच्चन इस फिल्म में एसीपी जय दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में अली अकबर फतेह खान का रोल प्ले किया हुआ है जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में कबीर शर्मा जो गेंग का लीडर था जो मेन एंटागोनिस्ट गेंग थी उसका जो मेन लीडर था उसका रोल प्ले किया हुआ है ईसा देओल ने सीना का रोल प्ले किया हुआ है जो कबीर की गेंग के ओनली फीमेल मेंबर थी वहीं पे इस फिल्म में रिमी सेन देखने को मिलते जो स्विटी दीक्षित का रोल प्ले करते हुए नजर आती जो जय की वाइफ का रोल है मनोज जोशी ने इस फिल्म में शेखर का रोल प्ले किया हुआ है आरव चौधरी ने राहुल का रोल प्ले किया है जो कबीर का सेकंड इन कमांड है वहीं पे फारिद आमिर ने इस फिल्म में ट्रोनी का रोल प्ले किया है मोहल ममेहुल भोजक ने इसमें मनु का रोल प्ले किया है रोहित चोपड़ा ने इस फिल्म में रोहित का रोल प्ले किया है पलक दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया पलाश दत्ता ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है संजय केनी इस फिल्म में मुन्ना का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अजय पांडे ने इसमें विनोद का रोल प्ले किया हुआ ऐसा रजा ने इसमें सुनैना का रोल प्ले किया हुआ यूसुफ हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए जहाँ पे फिल्म है वो डील करती है चोरियों के ऊपर उसमें एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए एक गैंग दिखाई गई है जॉन नबराम व गैंग को लीड कर रहे है उनका नाम है कबीर उनके साथ कुछ गैंग मेंबर जुड़े हुए है वो गैंग पूरी तरह से कहीं बैंग्स को रोबरी करती हुई नजर आई है जो अलग अलग एरिया से कुछ प्लानिंग के साथ एक ऐसे पूरी बाइकर गेंगे तो वो बाइक के ऊपर वो ये गेंग के चोरी करती हुई नजर आती है। जहां पे बाद में अभिषेक बच्चन का जो किरदार है एसीपी जय तो उनको अपॉइंट किया जाता है इनको पकड़ने के लिए उसके बाद में उनके साथ उनके राइट हैंड के तरफ से जुड़ते अली अकबर फतेह खान का किरदार जो उदय चोपड़ा प्ले कर रहे हैं वो उसके बाद में फिल्म में कुछ ट्विस्ट और टर्न डाले हुए आखिर में क्या अभिषेक बच्चन जोन अब्राहम को उनके किरदार को जो है कबीर उसको पकड़ पाएगा क्या कबीर इस सभी चीजों से बच पाएगा आखिर में उनके साथ क्या होता है वो सभी चीजें फिल्म की कहानी में डाली हुई है तो काफी ट्विस्ट और टर्न्स और काफी अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ इस फिल्म को दिखाया हुआ है सिर्फ एक सौ उनतीस मिनट का रन टाइम रखा हुआ है जहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस जैसे कि अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जॉन इब्राहिम ईसा सभी अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे जॉन काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पुल ऑफ करते हुए नजर आते हैं उनका किरदार फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से चार चांद लगा जाता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी टाइट लिखा हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग्स काफी अच्छे थे उस समय के हिसाब से जिस तरह से इस फिल्म में जो थोड़ा बहुत सी जी आई वेफ एक्स खान था वो भी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आती है उस समय के हिसाब से डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है नरेशन काफ़ी बढ़िया था इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रोडक्शन में जो कार चेजेज वाले सीन्स थे वो इनिशियली बाइक की जगह कार चेजेस वाले सीन रखे हुए थे तो लेटर ऑन संजय गढ़वी जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने मेकर्स को कन्विंस किया कि वो एक बाइक राइडर की गैंग दिखाना चाहते हैं जो ये सभी चीजें फेस करके किस तरह से चीजें करे हैंडल करते किस तरह से जो कार की सॉरी बाइक के थ्रू चोरियाँ करते उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहते इनिशियली फास्ट एंड फ्यूरियस की जो चीज़ें उसको वो बाइक के थ्रू दिखाना चाह रहे थे तो उन्होंने बखूबी वो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म में उन्होंने वो सभी चीज़ें शूट की हुई थी जहाँ पर इनिशियली ये फ़िल्म जल्दी रिलीज़ होने लेटर ऑन बाद में दो को रिलीज़ की गई थी फिल्म की शूटिंग दो हज़ार के बीच में करवाई गई थी जहाँ पर उस समय के हिसाब से करीबन हाई बजट यानी कि ग्यारह करोड़ के बजट में न्यू कमर्स को लेते हुए इस फिल्म को बनाया था न्यू कमर्स मतलब कि नए स्टार थे तब उतना कुछ नाम नहीं हुआ था तभी अभी नए नए आए हुए थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन भी दो तीन साल पुराने थे इसी तरह जो जोन इब्राहम सभी लोग नए नए एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे लेकिन जिस तरह से फिल्म ने बाद में बॉक्स ऑफिस पे, पे धमाका किया था वो अलग ही था म्यूजिक भी इस फिल्म का काफ़ी बढ़िया और शानदार रहा था म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो गाने थे टोटल सात थे सभी वर्जन्स मिला ले तो उसकी लेंथ थी चौंतीस मिनट सत्ताईस सेकंड इन सभी गानों को वायरेप के द्वारा कंपोज किया गया था और सॉरी वायरेप स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया था वायरेप म्यूज़िक ने राइट्स खरीदे हुए थे और इन गानों की सीडीज़ ये वो 2004 में बेची गई थी और फिल्म के साथ वो तो जो गाने थे उसको बाद में उसे रिलीज़ के बाद वो गानों को रिलीज किया गया था 2003-4 में गानों रिकॉर्ड किया गया था मुंबई में वायरफ स्टूडियोज़ में सभी गानों के लिरिक्स समीर ने लिखे हुए थे म्यूजिक था और प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था पहला गाना था धूम मचाले धूम जिसको सोनी चौहान शंकर महादेव ने गाया हुआ था सिखदम गाने को शान और श्रेया घोषाल ने गाया था दिल बरा गाने को अभिजीत भट्टाचार्य और सौम्या राव ने गाया हुआ था सलामी गाने को कुणाल गंजावाला और वासुन्धरा दास ने गाया हुआ था सिकदम का एक बेडरूम मिक्स वर्जन था उसको के के गायत्री गांजावाला और हिंदी ने गाया हुआ था इसके अलावा दिलबरा का रिप्राइज जो एडिट वर्जन था उसको अभिजीत भट्टाचार्य सौम्या राव और अभिषेक बच्चन ने गाया था धूम धूम गाने को टाटा योंग ने गाया हुआ था तो टोटल सात ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी चौंतीस सत, मिनट सत्ताईस सेकंड इसको सी के थ्रू सोलह जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिल्म के थ्रू सत्ताईस जुलाई दो को रिलीज़ किया गया फिलहाल में इस फिल्म के को ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में वायर एप के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पे सुन सकते हो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें सत्ताईस अगस्त 2004 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म जब रिलीज़ हुई तो क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल की फिलहाल में इस फिल्म को आई पे करीबन बाईस हज़ार वोट हासिल हुए जिसमें छः पॉइंट छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने हैं जो फिल्म का कंटेंट है वो लोगों के बीच में काफ़ी क्रेज़ क्रिएट कर गया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कलेक्शन अच्छा किया ही था और कई सारे अवार्ड्स में अवॉर्ड्स एमने में नॉमिनेशन लिया था और उसमें से कई अवार्ड्स जीते हुए थे जहाँ इस धूम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था इस फिल्म ने पहले दिन जिस तरह से जो कलेक्शन किया था वो उस समय के हिसाब से अच्छा था एक करोड़ पिचासी लाख का नेट कलेक्शन था वीकेंड पाँच करोड़ पिच बयासी लाख का रहा था पहला वीक दस करोड़ इक्यावन लाख का रहा था इंडिया का नेट कलेक्शन फिल्म का इकतीस करोड़ साठ लाख का लाइफ टाइम का रहा था जिसका ग्रोस हुआ था, था तिरतालीस करोड़ उन्सी लाख और और से करीबन तीन करोड़ इक्यासी लाख का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया था और धूम फिल्म ग्यारह करोड़ के बजट में बनी हुई थी जिसके सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर पचास करोड़ से ज़्यादा

फिल्म थे जिसको अगर आपको ऑफिशियली फिलहाल में देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से तुम फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस धूम फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एसपे है वो भी मैंने शेयर कर दिए थे तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू